आर्मी का ना एक अनसेड रूल है, अगर एक राशन ढोता ट्रक एक पुलिया की दीवार से जाकर के टकरा जाता है ना, तो उसका भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। तो वो बुद्धिजीवी लोग जो ये बोल रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको आर्म्ड फोर्सेस का काम ना आर्म्ड फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट, एक आतंकी हमला, साबोटाज, कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग जनरल साहब की मृत्यु पर खुशियां मनाते दिख रहे हैं, इंक्वायरी इन लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये ना तो कोई एक्सीडेंट है और ना ही कोई गलती। अगर आपको भी मेरी तरह या हम सब की तरह ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना छोड़ करके चला गया हो, पर्सनल लॉस जैसा लग रहा हो, तो समझ लीजिए बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे या आपके जनरल नहीं थे, वो हम सबके जनरल थे। जनरल साहब की मृत्यु पर कौन लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, इन लोगों को अच्छे से पहचान लो। सोशल मीडिया से एक चीज तो अच्छी हुई है, और वो ये कि हमें इन लोगों की सच्चाई अपने आप पता चल जाती है, खुद ब खुद। इस तरह के इंसिडेंसेस से हमें पता चलता है कि जनरल साहब 2.5 फ्रंट की बात क्यों करते थे, 2.5 फ्रंट यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर की बात क्यों करते थे, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और एक तरफ यही खुशियां मनाने वाले लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। कौन है ये एंड हाफ वाले लोग, चलिए देखते हैं। अब जैसे फेसबुक पे जब कोई पोस्ट डालते हैं तो उस पर रिएक्शन करने का ऑप्शन होता है, जैसे कि आप उसको लाइक, लव, सैड, एंग्री, वाओ, हा हा का रिएक्शन दे सकते हैं। तो उसमें जो हाहा वाला रिएक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है? या तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई पोस्ट एक्चुअली में फनी लगा हो, या इसका मतलब होता है कि आप उस पोस्ट का मजाक उड़ाना चाह रहे हो। एंड माइंड यू, कोई भी रिएक्शन कभी भी गलती से ऐसे ही क्लिक नहीं हो जाता, बस उसको जानबूझ के, सोच समझ के किया जाता है। इसके अलावा कोई तीसरा मतलब मुझे तो दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। तो देश के पहले सीडीएस की मृत्यु पर लाफिंग रिएक्शन देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर आपको वो खबर फनी लगी हो तो भी सही नहीं है, अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो भी सही नहीं है। देशद्रोह नापने की कोई स्केल होती है क्या? मतलब वो कौन सी रेखा होती है जिसको पार करने के बाद हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने ये रेखा क्रॉस कर दी है, अब इसको देशद्रोही कहलाया जाएगा? मतलब एक सैनिक की मृत्यु के बाद अगर कोई इंसान हंसता है तो क्या उसको देशद्रोही नहीं कहलाना चाहिए? क्या गद्दारी सिर्फ तभी बोली जाएगी जब कोई इंसान अपने देश के सीक्रेट्स किसी और देश को बेचते? तब क्यों नहीं हम किसी को गद्दार बोलते जब कोई इंसान अपने देश के लिए बलिदान हुए बलिदानियों पर तंज कसे और हंसे? ये प्रश्न मुझे आपसे नहीं बल्कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपका फ्यूचर ऐसे देश में सिक्योर है जहाँ पे आपका पड़ोसी किसी सैनिक की मृत्यु पर ठहाके लगा के हंस रहा हो, और आपकी एज अ देश प्रेमी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे देशद्रोहियों को पहचाने और उनके एम्प्लॉयर्स को उनकी करतूत का स्क्रीनशॉट लेकर के पूछें कि क्या आपकी कंपनी ऐसे देशद्रोही और गद्दारों को अपनी कंपनी में रखना चाहेगी? एंड लास्टली, दिस इज द टू इंडियाज दैट आई लिव इन। एक वो जहां लोग खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, भरोसा नहीं दिलवा पा रहे हैं कि ये सच में हुआ है, हमने सच में अपने सीडीएस को खो दिया है, और एक वो हिस्सा जो खुशियां मना रहा है। आइडेंटिफाई दीज पीपल एंड शो देम अ गुड टाइम। वी आर इन अ वॉर।